नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर और आलू से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज का वीडियो दोस्तों मैं निवेदन करूंगा, आप लोग पूरा देख लेना, अभी मत देखो, अगर किसी पे समय नहीं है तो बाद में देख लेना। अभी जुताई चल रही है, किसान अपने जुताइयों में मस्त है, मतलब व्यस्त है अपना। और दोस्तों खेती इस समय ज्यादातर खेतों की ओट आ चुकी है, तो अपने खेती मतलब जुताई वगैरह इस समय किसान थोड़े काम में तो लगे ही हुए हैं, ठीक है। तो वो काम सबसे पहले जरूरी है आपका, क्योंकि हमारे यहाँ भी दोस्तों 20 अक्टूबर से आलू की बुवाई शुरू हो जाती है, 15 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि कैसे फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप जो किसान विरोधियों और मंडियों द्वारा बनाए जाते हैं, इन मंडियों में खंदौली के लोग ज्यादातर शामिल है। खंदौली के कुछ व्यापारी, कुछ क्या कहते हैं कोल्ड स्टोर मालिक, जो किसानों का कभी हित नहीं चाहते हैं खंदौली के, या ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो वो लोग इन ग्रुपों में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, ठीक है। और सिर्फ उसमें मंदी की लहर, मतलब जो किसान के विरोध में खबर है, किसान के विरोध में मैं उन सारी खबरों को मानता हूं जो आलू में मंदी फैलाना चाहते हैं या मंदी फैलाने का काम करती हैं, ऐसी खबर है। इसमें कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी शामिल हैं, ठीक है, जो शुरू से ही काम इनको आप उनको करते चले आ रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो फर्जी है दोस्तों, आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इन सारे व्हाट्सएप ग्रुपों को आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इन व्हाट्सएप ग्रुपों में से बाहर निकल जाओगे तो आप सब लोग फायदे में रहोगे। जितने भी मेरे किसान हैं, जितने भी मेरे मिलने जुलने वाले बड़े बड़े जो किसान हैं, जो अच्छे किसान हैं, जो इन ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, इन ग्रुपों को त्याग करें तुरंत, इनको लेफ्ट करके इनमें से बाहर निकलो। क्योंकि दोस्तों सिर्फ ऐसे ग्रुपों में जुड़े रहे जो मंडी के भाव से अपडेट कराते हैं, जो एक सही जेन्युइन खबरें फैलाते हैं। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप इन व्यापारियों द्वारा, इन कोल्ड स्टोर मालिकों द्वारा, जो सी ग्रेड के कोल्ड स्टोर मालिक है, जो जिन्होंने कभी ईमानदारी से अपना काम नहीं किया, और जो ऐसे व्यापारी जो किसानों का हमेशा शोषण करना चाहते हैं, जो कभी भी नहीं चाहते कि किसान को पैसा मिले, उन लोगों द्वारा दोस्तों ये ग्रुप बनाए गए हैं। तमाम दिन भर मैं स्क्रीनशॉट देखता हूं कि शर्मा जी ये फलाना सप्लायर ग्रुप है, ये उधर का सप्लायर ग्रुप है, और देखो इनमें क्या बातें चल रही है कि 10 महीने, आज लगभग आप ये समझ लो कि सितंबर आ गई, इन लोगों ने मार्च से ही आलू फेंकवाना शुरू कर दिया था, हर 15 दिन में ये आलू फेंकवाने का काम कर रहे थे। पर भला हो सोशल मीडिया के हमारे साथी जो लोग इसमें कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, और मैं दोस्तों आज तक मैं बता रहा हूं किसान को इतने अच्छे रेट मिले, इतने कभी नहीं मिले, ठीक है। व्यापारी तब आलू खरीदते हैं जब उनको 2 रुपए मिलते हैं। व्यापारी कभी भी, लोग कहते हैं घाटा पड़ रहा है, घाटा पड़ रहा है, तो घाटे का व्यापार कोई 8-9 महीने लगातार नहीं करता है। घाटे का व्यापार तो आदमी 15 दिन में घाटा पड़ा तो बंद हो जाएगा, करेगा नहीं। जितने भी हमारे सम्मानित बढ़िया व्यापारी हैं, जो अच्छे जो किसानों के हित में काम कर रहे हैं, उनको तो धन्यवाद मैं देता ही रहता हूं। उनको अपने कोल्ड स्टोर मालिक है, जो बढ़िया ए और बी श्रेणी के अच्छे कोल्ड स्टोर है, उन लोगों का तो खैर क्या कहना, वो लोग तो सब बढ़िया लोग हैं। पर जो सी ग्रेड के है, जो शुरुआत से ही किसानों का शोषण करना चाहते हैं, और ऐसे व्यापारी जो व्हाट्सएप ग्रुपों का सहारा लेकर, दोस्तों प्रचार प्रसार का एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका है, जो किसानों का नुकसान कराना चाहता है, जो इस समय मंडी है जिनमें सक्रिय है, वो है सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप। इन व्हाट्सएप ग्रुपों को तुरंत त्याग कर दो, फायदे में रहोगे आप लोग, ठीक है। मेरा काम आपको बताने का है, बाकी नहीं तो ये लोग आपका सिर्फ बीपी बढ़ाते रहेंगे, आपको डराते रहेंगे और आपका नुकसान कराते रहेंगे। कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं कि किसान अपना आलू बेचे नहीं, और कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं कि किसान कल ही अपना आलू मंडियों को डंप कर दें और आलू की स्थिति खराब हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं और इसी हिसाब से लोग, दुनिया चल रही है। इन फर्जी लोगों से बचे रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल है, हर जगह से अपडेट आपको देने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के से ही आपको पूरी जानकारी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत से मंडी भाव के व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, मुंबई के भी चल रहे हैं, हर जगह के चल रहे हैं, ऐसे लोग बेंगलोर का भी ग्रुप है, तो इन जगह इन ग्रुपों में जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन ग्रुपों में मत रहो जो सिर्फ व्यापारियों द्वारा बनाए गए हैं और ये सिर्फ किसानों का नुकसान कराने का काम करते हैं। 4 मिनट मैंने सिर्फ इसी बात पर लेक्चर दिया है, अब आप लोग समझ लो, ठीक है। अब दोस्तों मैं बता देता हूं आप लोगों को कि गुजरात में रिकॉर्ड तेजी, गुजरात और पंजाब और इनको तो हम भूल ही जाते हैं, आज मैं इनके बारे में भी जानकारी दूंगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, स्थिति ये है कि साउथ में और तेजी, तो साउथ में 50 से 100 रुपए की आज तेजी है, किसी मंडी में 100 रुपए की तेजी है, किसी में 50 रुपए की तेजी है, ठीक है। और पंजाब, गुजरात, बंगाल, इनके भी हालचाल बताऊंगा दोस्तों मैं आप लोगों को। और मैं बताऊं एक नई बात, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूं दोस्तों, सिर्फ एक मुंबई के ग्रुप में हूं और एक बेंगलोर के ग्रुप में हूं, इसके अलावा किसी व्हाट्सएप ग्रुप से कोई मेरा सरोकार नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये सिर्फ किसान विरोधियों द्वारा और मंडियों द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। और गुजरात में दोस्तों 1000 से लेकर 1700 रुपए तक आलू बिक रहा है इस समय, 1000 रुपए हल्के से हल्का पुकराज और बढ़िया से बढ़िया कोलंबा 1700 रुपए तक कट्टा, ये कोल्ड स्टोरों की रेट है दोस्तों,
ठीक है, इसमें भाड़ा किसान को ही देना पड़ेगा, ये स्थिति है दोस्तों। हम गुजरात को भूल जाते हैं, गुजरात में बंपर तेजी है इस समय, गुजरात के भी हमारे बहुत किसान हमसे जुड़े हुए, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि शर्मा जी गुजरात की अपडेट दे दिया करो, दूसरा आप अपडेट दे दो तो मैं आपको पंजाब की। तो दोस्तों पंजाब में भी स्थिति है कि पंजाब में जो आपके ज्योति बीज की रेट, सुन लो पहले, तो बीज की रेट जो नॉर्मल है दोस्तों वो है ज्योति की 1400 से लेके 1500 रुपए कट्टा, पुखराज की 1100 से लेके 1100 वो 1000 से लेके 1100 रुपए कट्टा, और भट्टी और जो सांगा वाले हैं, जो बीज वाले हैं दोस्तों, ये लोग बड़ा बीज का काम करते हैं, बड़े बीज के कारोबारी, इनकी रेट 500 रुपए कट्टा ज्यादा रहती है। तो जो मैंने रेट बताई है इनसे, इनकी 500 रुपए कट्टा इनकी रेट ज्यादा होगी। तो भट्टी एग्रोटेक है मेरे हिसाब से, भट्टी फार्म के नाम से जो भी है, और आपका क्या कहते हैं सांगा, सांगा का तो नाम आप सभी जानते हो। तो दोस्तों ये दोनों इनके रेट थोड़े से ज्यादा रहते हैं, बीज के कॉस्टली रहते हैं। ये बीज की अपडेट मैं इनके लाभ दे दूं आप लोगों को। और राशन की जो रेट है वो डायमंड आलू 1000 से 1100 रुपए बिक रहा है, पुखराज आलू 700 से लेके 800 रुपए बिक रहा है, और ज्योति आलू 800 से लेके 900 रुपए बिक रहा है। बीच में भाव और कम हो गए थे, अब 2-4 दिन से भाव पंजाब में सुधर गए हैं, ठीक है। बंगाल में दोस्तों लगभग 61 से लेके 62% निकासी का अनुमान है, पिछली साल से लगभग 5% ज्यादा निकासी चल रही है, और ये अनुमान है आपका सितंबर एंड तक। और ज्योति जो VIP आलू वो 1300 से लेके 1350 रुपए बिक रहा है, और गड्ढ बिक रहे हैं 1100 से लेके 1120 रुपए, ठीक है। और गुजरात में जो पुखराज बिक रहा है 900 से 1250 रुपए, जो बहुत एक्स्ट्रा सुपर ऑर्डिनरी हो तो 1250, और कोलंबा बिक रहा है 1500 से लेके 1700 रुपए तक, और ख्याति बिक रहे हैं 1400 से लेके 1300 से लेके 1200 से लेके 1500 रुपए तक। ये है दोस्तों रेट कहां के, गुजरात के। तो मैं तो दोस्तों ये बता रहा हूं, और यूपी की तो आपको सबको पता ही है, यूपी में तो दोस्तों कुछ जगह पे तो आलू आपका ये समझ लो कि जो धान वान के खेतों का आलू सस्ता बिक रहा है, कुछ जगह पोस्ट VIP आलू 1400 रुपए बिक रहे हैं, ठीक है, ये स्थिति चल रही है। पर यूपी में वही है जो फर्जी बंदरियों ग्रुप जो बने हुए हैं, ये सिर्फ किसानों को पैसा नहीं मिलने देते हैं, फिलहाल की स्थिति में इस बार वो कुछ नहीं कर पाए, और 2024 में उनको उनके मुंह पे करारे तमाचे ही तमाचे लगे हैं, और उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए किसान का, ठीक है। जो तुम व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए किसानों को रोक कर अपना आलू निकालना, ये काम करना, इन कामों को बहुत पहले से करते आ रहे थे, पर अब इन मंसूबों में कोई कामयाब नहीं हो पाएगा दोस्तों। फर्जी खबरों का प्रचार प्रसार आप लोग खुद कराते हो, क्योंकि आप लोग इन ग्रुपों में जुड़े हुए हो, इसलिए उनमें डाली जाती है। आप उन ग्रुपों को त्याग दोगे तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। मंडी अपडेट और सब चीज देने के लिए तमाम यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, दिल्ली से लेकर और आपके कानपुर तक तमाम यूट्यूब चैनल वाले मेहनत कर रहे हैं। जिन पे आप विश्वास करते हो उनसे अपना काम करो। 4 दिन पहले तक यही बहुत से यूट्यूब चैनल वाले अगेती फसलों के नाम पर किसानों को डराने का काम कर रहे थे, ठीक है ना। और आज की स्थिति दोस्तों ये है कि कल भी कन्नौज में 1-2 दिन से बारिश हुई, अगेती फसलें लगभग 10 से लेके 20 दिन लेट मान ही लो आप लोग, ठीक है। तो कुल मिला के आज रेट भी बहुत बढ़िया चल रहे। 2-4 किसानों ने मुझसे एक बात कही, अरे शर्मा जी आलू तो कम था, फिर इस समय खत्म क्यों नहीं हुआ आलू। मैंने कहा भले आदमी हो, आलू 1200 रुपए कट्टा बिक रहा है, शुरुआत से 1200 से ऊपर ही बिक रहा है, अब तुम कौन सी रेट, तुम्हें क्या चाहिए अब इस दुनिया में, और क्या होना चाहिए, फिर भी आप आंकड़े लगा रहे हो कि आलू तो कम था। आलू कम था तभी तो भैया ये रेट चल रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप लोग। तभी तो मैं कहता हूँ धीरे धीरे बेचो। और इन सब बातों को वो लोग करते हैं जिन्होंने आलू का दाना नहीं बेचा, और उनको जिनको 1400 रुपए 1200 रुपए में संतुष्टि नहीं है, ठीक है। तो शर्मा जी तो किसी को संतुष्ट कर नहीं सकते, और शर्मा जी पे कोई ऐसी कोई चीज तो है नहीं है जिससे मैं दुनिया को संतुष्ट कर दूं। मैं तो आपको अपडेट दे सकता हूं बस, और डेली की जानकारी दे सकता हूं, तेजी है तो तेजी, मंदी है तो मंदी। मंडी भाव 110 गाड़ी दिल्ली आजादपुर में, एक्स्ट्रा सुपर चंदौसी का चिप्सोना 1200 से 1350 रुपए, आगरा अलीगढ़ का चिप्सोना 1050 से 1250 रुपए, एक्स्ट्रा सुपर चंदौसी का सूर्या वो बिक रहा है आपका दोस्तों 1300 से 1500 रुपए, और आगरा अलीगढ़ का सूर्या 1100 से 1200 रुपए, एक्स्ट्रा सुपर 3797 1000 से 1100 रुपए, और 3797 नॉर्मल 1000 से 1050, हाइब्रिड 700 से 950, LR यूपी का 1000 से 1080, LR पंजाब का 900 से 1000, गुजरात का LR 1200 से 1400 रुपए, और 302 आलू 800 से 1000। जयपुर मंडी 75 गाड़ी एक्स्ट्रा सुपर आलू 24 से 25, हल्का 18 से 24, हॉलैंड 24 से 25 रुपए, कानपुर मंडी 40 से 45 गाड़ी एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला 19 से 21, हल्की क्वालिटी का गुल्ला 16 से 18, एक्स्ट्रा सुपर मोटा 19 से 22, हल्की क्वालिटी का मोटा आलू 19 से 20 जिसमें हाइब्रिड होंगे, हॉलैंड 23 से 24, हल्की क्वालिटी का 21 से 22, चिप्सोना 23 से 24। एक मेरे किसान है दोस्तों मिलने वाले, वो हाइब्रिड आलू लगभग आधा आलू बोते थे, लगभग वो करते हैं 250-300 बीघा आलू, 150 बीघा हाइब्रिड, लगभग 200 बीघा हाइब्रिड, 100 बीघा नॉर्मल।
इस बार उन्होंने टोटल हाइब्रिड 50 बीघा छोड़ा है, बाकी 250 बीघा 37-97 करेंगे, ठीक है ना। और बीज की उन्होंने अपनी जुगाड़ तुगाड़ करके पूरी गाड़ी गाड़ी बीज की ली है, ये स्थिति है दोस्तों। तो लोग हाइब्रिड आलू से तो बिल्कुल किनारा कर लें, इसी में फायदा है, क्योंकि ना तो वो स्वाद में बढ़िया, तुम वो पैदा करो जो लोग स्वाद से खाएं। अब तुम स्वाद बिना स्वादिष्ट आलू पैदा नहीं करोगे, हाइब्रिड आलू सिर्फ आपका कच्चे में कामयाब है, कच्चे वाले खूब बोए हाइब्रिड आलू जिनको जल्दी खोद के मार्केट में लाना है, कोल्ड में रखने के लिए मेरे हिसाब से तो कोई औचित्य नहीं है। बेंगलोर मंडी 42 गाड़ी एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी आलू 31-32 बिक गया दोस्तों, हल्की क्वालिटी का 27-28 हाइब्रिड 27-29। मैसूर मंडी की आज बता देता हूँ, 4 गाड़ी है एक्स्ट्रा सुपर आलू 28-29, हल्की क्वालिटी का 22-26, ठीक है। तिरची एक्स्ट्रा सुपर 33-34, हल्का 31-32। चेन्नई 18 गाड़ी एक्स्ट्रा सुपर आलू 33-34, हल्की क्वालिटी का 31-32। मधुरी मंडी 7 गाड़ी एक्स्ट्रा सुपर आलू 32-33, 32-35, हल्की क्वालिटी का 31-32। पूना मंडी 30 गाड़ी एक्स्ट्रा सुपर आलू 27-28, ज्यादातर आलू 23-24-25। मुंबई मंडी एक्स्ट्रा सुपर 37-97 सूखा 25-26, हल्की क्वालिटी का 24-25, शुगर फ्री 25-26, हल्का 24-25। एमपी का ज्योति जो मोटी टपक्का 30-32, हल्का 27-28। 55 गाड़ी लिमिट की दोस्तों, लिमिट का आलू मंडियों में व्यापारी लोग लोड करें, नहीं अगर क्षमता से आलू भेजोगे तो भाव लौट जाते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों क्या स्थिति चल रही है आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के अपने अपने जगह बताएं। निकासी की रिपोर्ट जल्दी ही देंगे, कोशिश ये करेंगे कोल्ड स्टोरों पर जाकर ही दें, कोल्ड स्टोर 2-4 कोल्ड स्टोर मालिकों को बैठा कर उनसे जानकारी दें, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर किसान है वो सोशल मीडिया के थ्रू अपना जानकारी प्राप्त करने का काम करते हैं। किसान भाइयों से मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आंकड़े लगाओ, खूब आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग जिनके अंदर क्षमता है रिस्क लेने की वो क्षमता लो, वो रिस्क लो, और जिनके अंदर क्षमता नहीं है वो अपना धीरे धीरे बेचते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी आपको आलू में घाटा नहीं पड़ेगा। खेती किसानी का दोस्तों यही काम है, कभी बादल लदा है, कभी बारिश होगी, कभी कुछ हो रहा है, मिर्च मेरी बर्बाद होगी, धान खराब हो गए लोगों को, बहुत धान से लोगों को उम्मीद थी, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होगी दोस्तों लोगों की। तो ऐसे ही है किसान का जीवन, तो ऐसे ही अपडेट हम लोग देते रहेंगे। बाकी एक मेरा निवेदन, फर्जी व्हाट्सएप ग्रुपों को छोड़ो, सभी ग्रुपों में से निकलकर अपने शांति की जिंदगी जियो, क्योंकि नहीं तो ये आपको इन्हें मालूम है कि आप लोगों का कैसे नुकसान कराना है, ये कोई खबर डालेंगे आप लोग उसका प्रचार प्रसार करोगे, अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे आप लोग। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।